नमस्कार दोस्तों, इस ठंड के मौसम में बारिश का होना बताइए। और उम्मीद था कि भाई इस बारिश में, ठंड के मौसम में बारिश नहीं होगा, काम जो है हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे, लेकिन हुआ इसका कुछ उल्टा। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा छाता हटा करके तो यहाँ से पकड़ने में नहीं बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज जो है, आज का जो मेरा वीडियो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि भाई प्लिंथ लेवल तक कितना खर्च पड़ेगा अगर 2000 स्क्वायर फीट का एरिया में आप घर बना रहे हो। हम आपको लमसम एक रेंज बता देंगे और उस प्लिंथ बीम तक जो पहुँचेंगे, देखिए बारिश भी हो रहा है, हम यहाँ पे छाता लेकर आए थे, लेकिन क्या हुआ कि भाई कि एक हाथ से तो बन नहीं रहा था, तो इसलिए हम छाता रख करके फिर से कैमरा घुमाए, फिर से आपको हम दिखाए कि भाई कि हम ही वीडियो बना रहे हैं, कोई और नहीं है। तो यहाँ पे ये रहा, तो अब बात कर लेते हैं कि प्लिंथ लेवल तक कितना खर्च पड़ेगा विथ मटेरियल के साथ आपको घर बनाने में। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लिंथ तक काम हो गया है। उससे पहले हम आपको बता दें, ये देखिए ज़मीन लेवल हो गया, ज़मीन लेवल से जो है 3 फीट के हाइट में ये मेरा प्लिंथ लेवल होने वाला है, ठीक है। इसमें भराई के साथ, जैसे यहाँ देखिए फाउंडेशन एक्सप्रेशन हो गया, भराई फिलिंग हो गया, फिलिंग होने के बाद जो है फिर इसमें सेप्टिक टैंक भी इंक्लूड है, सेप्टिक टैंक के साथ कितना पड़ेगा, चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें जो मिलेगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेप्टिक टैंक का भी हम आपको दिखा देते हैं। सेप्टिक टैंक का भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, और जिसमें आपको यहाँ पे जो है, देखिए ये आपका सेप्टिक टैंक हो गया, सेप्टिक टैंक तक काम करने में कितना खर्च पड़ेगा। तो हम खर्च की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि उससे पहले इस फाउंडेशन का साइज जो है हर कॉलम का 5 फीट बाय 5 फीट है, कॉलम का साइज 9 इंची बाय 12 इंची है, और 12 mm का 6 पीस सरिया इस्तेमाल हुआ। अब ये जो हम जो साइज और सरिया बताए हैं, ये कितना के लिए है भाई, 2 मंजिल का घर बनाने के लिए, 2 मंजिल का घर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लिंथ बीम, जहाँ जहाँ ग्राउंड फ्लोर में, ब्रिक का लेआउट होगा, वहाँ वहाँ जो आपको जो है प्लिंथ बीम दिया गया है, ठीक है। अब फिर इसके ऊपर 1 फीट का ब्रिक वर्क करके DPC करेंगे, और अगर हम इसका बीम की, प्लिंथ बीम की साइज की बात करें, वो भी आपका 9 इंची बाय 12 इंची का है, और इसमें जो है बैक फिलिंग जो DPC तक भरा जाएगा वो आपका, जैसे कि यहाँ देख रहे, फिलिंग बालू लाया गया, इस फिलिंग बालू को ही जो है इसमें भरा जाएगा। तो मन में तो आ रहा है सर कि वीडियो को बहुत लंबा खींच रहे हैं, कॉस्ट बता ही नहीं रहे हैं। देखिए अगर हम इस कॉस्ट की बात करें, तो प्लिंथ लेवल तक, मतलब अगर बात करें DPC तक, 2000 स्क्वायर फीट को बनाने में आपको यहाँ जो खर्च पड़ेगा वो पड़ेगा 14 लाख से लेकर के 16 लाख के बीच में। अब बोलेंगे सर इतना डिफरेंस क्यों बता दिए, देखिए डिपेंड करता है आप कौन सा सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या साइज़ दे रहे हैं, और कुछ जगह पर बालू सस्ता भी होता है, कुछ जगह पर बालू महंगा भी होता है, इसलिए मैंने जो है एक रेंज बता दिया 14 लाख से 16 लाख के बीच में आपको प्लिंथ लेवल तक ये खर्चा पड़ेगा। अब बताइए रिसेंटली अगर आप घर बनाए होंगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा घर बनाने को लेकर के जो है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। वही अगर 1000 स्क्वायर फीट का है, समझिएगा जरा सा, 1000 स्क्वायर फीट का है, तो आपका जो 6 लाख से 8 लाख के बीच में ओनली प्लिंथ लेवल, वो भी हम मैं क्या बोलूँ, ज़मीन के लेवल से 3 फीट का हाइट,
वही अगर ज़मीन के लेवल में ही करेंगे तो आपको 4 लाख में हो जाएगा। यही जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये अगर आपका ज़मीन लेवल के बराबर रहता है, यानी 6 इंच ज़्यादा रहता है, तो ये आपका 12 लाख तक में ही सिमट के रह जाता है। क्योंकि जो है यहाँ पे 3-3 फीट 2000 स्क्वायर फीट एरिया में बालू भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे 3-3 फीट बालू भी भरना है, इतना सारा काम है, जेसीबी फिर से आएगा, तो सब कुछ को मिला जुला करके आपका खर्च जो है बढ़ जाएगा। तो बस इतना ही था दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आप लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।